मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय खटीमा दौरे के दौरान आज थारू राज्य के इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के बीच परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने छात्रों से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव, जिज्ञासा और इन सब पर मार्गदर्शन किया है। धामी ने कहा है कि तनाव से दूर रहने के लिए एग्जाम वॉरियर परीक्षा से पर्चा पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। नव भारत समाचार खटीमा से प्रदीप अरोरा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अष्टाधिकारी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा आज आपके समक्ष यह प्रश्न रखती हूँ कि जैसे कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आती जा रही है, वैसे ही मेरी घबराहट भी उतनी ही बढ़ती जा रही है, तो आप हमें कृपया कर यह बताइए कि किस प्रकार हम अपने टाइम को मैनेज करके चल सके ताकि हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सके। धन्यवाद। तो एक को हमें परीक्षा का टाइम हो या परीक्षा का समय न मिले, तो जो हमारी सामान्य दिनचर्या है वो दिनचर्या हम सबको बनानी चाहिए कि हमको 5 बजे उठना है कि 6 बजे उठना है और फिर देर रात्रि तक कितने बजे तक हमको काम करना है। और देखिए, टाइम की जहाँ तक बात है, दुनिया में कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई बड़ा जिम्मेदारी से काम करता है या कम जिम्मेदारी के साथ काम करता है, सबके पास टाइम 24 घंटे का है। उस 24 घंटे में ही सबको टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने टाइम के मैनेजमेंट के लिए हमसे अच्छा मैनेजर कोई हो नहीं सकता। हम स्वयं सबसे अच्छे मैनेजर हैं। अभी टाइम टेबल जो हमारा बना हुआ है उसी टाइम टेबल के अनुसार करना है। कोई एग्जाम आ रहे हैं तो कोई उसके लिए एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, अभी से बना लीजिए। और जो कठिन सब्जेक्ट है या जिनमें लगता है कि हम पढ़ने में थोड़ा जिसको बोलते हैं बोरिंग होती है ना, तो होती है और बच्चों को भी होती है, तो जिनमें हमारा थोड़ा कमांड कम है या हमने जिनको कम पढ़ा है उनको हम पहले पढ़ें, उनके लिए पहले टाइम निकाल। इसी प्रकार से जब हम प्रश्न पत्र जब हमारे सामने आता है क्वेश्चन पेपर, तो 3 घंटे का टाइम होता है। मैं अपने सर लोगों को बचपन में चला जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कैसा बचपन होता है। और आप लोगों का मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूँगा, तो